और अब बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर से प्रदूषण का जो AQI लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आया। दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ा है। जो आनंद विहार में AQI लेवल गिरकर 382 पर पहुंचा, तो अक्षरधाम में मंदिर के पास AQI गिरकर 385 पर पहुंचा। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, AQI लेवल लगातार यहां पर बढ़ता हुआ कई इलाकों में नजर आ रहा है, लेकिन आनंद विहार और अक्षरधाम मंदिर के पास जो AQI लेवल है वो अब 300 की श्रेणी में ही दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली NCR में आज से लागू होगा GRAP II, जहां बढ़ते प्रदूषण के चलते GRAP II लागू होना है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक भी इस दौरान लगेगी GRAP II के अधीन, जहां कोयला भट्टी और खुले में आग जलाने पर भी रोक लगाई जाएगी। तो GRAP I पहले से लागू है। GRAP I में भी तमाम पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन अब इंतजार यही किया जा रहा था कि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार के जरिए क्या कदम उठाया जाता है, और वो है GRAP II जो आज से लागू होगा। अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई, जहां हवा के बाद पानी भी पूरी तरह से प्रदूषित है, और यमुना नदी में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर अब बढ़ता हुआ नजर आया। पानी में केमिकल वाले झाग से प्रदूषण बढ़ रहा है, जहां पानी की सतह पर जहरीले झाग की परत जमी हुई है। और ये तस्वीरें आपको यमुना नदी की दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाकों की, जहां किस तरह की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। चाहे आबोहवा का जिक्र किया जाए या फिर पानी का जिक्र किया जाए, तो पूरी तरह से प्रदूषित हो रखी है, जिसका खामियाजा आम जनमानस दिल्ली वासी भुगत रहे हैं। और इसके चलते लगातार ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर गंभीरता जो दिखाई जा रही है उसके चलते एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उसका इंतजार कि आखिर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कब होगा, जो सवाल हर किसी के जहन में रह रहकर उठ रहा है, उसको लेकर क्या कदम दिल्ली सरकार के जरिए उठाए जाते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी प्रिया राणा हमारे साथ लाइव बनी हुई है। प्रिया, चूंकि देखिए अब जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे दिल्ली की आबो हवा का जिक्र किया जाए, पानी का जिक्र किया जाए, लेकिन इस बीच क्या धरातल पर स्थिति है? AQI लेवल अलग अलग इलाकों में कितना दर्ज किया गया? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो बीते कई दिनों से जो AQI लेवल है लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। बात करें दिल्ली NCR की, तो लोग जहरीली सांसें लेने के लिए मजबूर हैं। अगर धरातल का जिक्र करें तो दिल्ली सरकार हो या NCR में अथॉरिटीज हो, लगातार जमीनी स्तर पर देखिए काम कर रही है, चाहे उसमें पानी का छिड़काव हो, कृत्रिम वर्षा हो, लेकिन बावजूद उसके देखिए हर साल ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलती है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया यमुना का, तो यमुना में देखिए अभी छठ पर्व आने वाला है, बेहद नजदीक वो पर्व है। वहां पर जो छठी व्रतियां हैं वो वहां पर देखिए पूजा अर्चना करती हैं, और इस वक्त अगर आप यमुना की स्थिति देखेंगी तो बिल्कुल कीचड़ आपको नजर आएगी, पानी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। तो जो दावे किए जाते हैं हर बार सरकार के द्वारा कि वहां पर जो है उसको साफ करने के लिए जो टेंडर पास किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता, जिस पर देखिए प्रदूषण को लेकर सियासत भी लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियां दिल्ली सरकार पर हावी होती हुई नजर आ रही हैं, हालांकि दिल्ली सरकार के द्वारा देखिए पूरी कोशिश की जा रही है धरातल पर कि किसी भी तरीके से प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। खुद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं जो जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की आतिशी जो जमीनी स्तर पर जा रही हैं, लेकिन लगातार इतनी नियमों के बावजूद भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर निश्चित तौर पर प्रिया जो अभी दिल्ली की आबोहवा है, जो यमुना नदी है, जिस तरह से लगातार झाग बढ़ता हुआ नजर आया, प्रदूषित हो रहा है, उससे कहा जा सकता है कि बद से बदतर स्थिति हो चुकी है, और हर साल यही तस्वीरें तो देखने को मिलती है। लेकिन इस बीच अगर GRAP II का जिक्र किया जाए, क्योंकि GRAP I पहले से दिल्ली में लागू था, किसी भी तरह की कोई कमी प्रदूषण में देखने को नहीं मिल पाई, अब GRAP II आज से लागू होने जा रहा है, उसको लेकर क्या जानकारी कि आने वाले समय में क्या प्रदूषण किसी भी तरह से कम होता हुआ नजर आ पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए GRAP II भले ही लागू हो जाए, लेकिन जिस तरीके की स्थिति दिल्ली NCR में बनी हुई है, तो प्रदूषण को कम करना एक बहुत बड़ा टास्क जो है सरकार के लिए हो गया है। सरकार के द्वारा हर देखिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे हम बात करें जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर काम हो रहा है, वहां पर किस तरीके से नियम कायदे कानूनों को अपनाना है उस पर भी देखिए चर्चा चल रही है, चालान किए जा रहे हैं, जुर्माना लोगों पर लगाया जा रहा है, सड़कें हैं जो लगातार सुबह से ही दिल्ली की सड़कों में देखिए पानी का छिड़काव शुरू कर दिया जाता है। सरकार के द्वारा तो पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगली सुबह जब होती है उसके बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से दिल्लीवासी हो या NCR के निवासी हो,
उनको देखिए अलग अलग समस्याएं हो रही हैं, चाहे हम आंखों में जलन की बात करें, गले में खराश की बात करें। जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया है, मास्क लगाना लोगों ने शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रदूषण है, तो लोगों को अलग अलग तरीके की समस्याएं भी हो रही है। और आपने जो जिक्र किया यमुना का, तो यमुना की अगर आप तस्वीर देखेंगी, उन तस्वीरों में जब हम गए थे तो वो कोई गुलमर्ग या कोई बर्फीले पहाड़ आपको नजर नहीं आएंगे। प्रदूषित इतना ज्यादा यमुना का पानी हो चुका है कि वहां पर खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा, इतनी ज्यादा बदबू है जो पानी में आ रही है। क्योंकि पीछे से जो लगातार केमिकल फैक्ट्रियां हैं, उसमें अगर हम बात करें या नालों का जिक्र करें, तो वो यमुना में मिले हुए हैं, जिसकी वजह से हर साल ऐसी स्थिति देखी जाती है। जिसके बाद सियासत तो गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम बात करें कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी देखिए कालंदी कुंज यमुना घाट पर पहुंचे थे, जहां पर खुद उन्होंने पूरा निरीक्षण किया, बीचों बीच वो यमुना के गए। ऐसी स्थिति वहां की हो गई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो दीपावली के बाद सवाल तो यही उठ जाता है, जब हर साल देश की राजधानी की यही कहानी है, तो सियासतदान क्यों कोई ऐसा कदम नहीं उठा देते जिससे दिल्ली वासियों को किसी तरह की कोई बड़ी राहत मिले। न सिर्फ दिल्ली वासी बल्कि दिल्ली से सटे हुए राज्य, जहां पर उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही हरियाणा में भी इसका खासा असर अब देखने को मिल रहा है। जो प्रदूषण और EQI लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जाए, बैठकों का दौर, मंथन का दौर शुरू हो चुका है। पानी के छिड़काव का आपने जिक्र किया, वो भी हमने पिछले साल और पिछले से पिछले साल भी यही तस्वीरें देखी थी। इस साल नया क्या है, क्योंकि प्रदूषण तो जस का तस बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए नया कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है, हर बार ये तस्वीर हर साल सामने आती है। क्योंकि बात करें तो देखिए 6500 करोड़ के लगभग जो है टेंडर पास किए गए थे यमुना की सफाई के लिए, लेकिन धरातल पर कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी सफाई हुई, वो तस्वीरें यमुना घाट की बता रही है। ग्रैप 2 भी भले ही लागू कर दिया जाए, लेकिन स्थिति है जो बेकाबू हो चुकी है, क्योंकि वातावरण में प्रदूषण इतना फैल चुका है कि दिल्लीवासी NCR निवासियों का जीना दुश्वार हो चुका है। क्योंकि देखिए हालांकि इस वक्त तेज धूप निकल रही है, लेकिन पीछे की तस्वीरें अगर आप मेरे देखेंगी तो इस वक्त मैं आपको नजारा अगर दिखाऊं तो देखिए आपको कुछ दूर तक नजर नहीं आएगा, जो बड़े बड़े टावर्स हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है और कोहरे की मार देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ये कोई कोहरा नहीं, ये प्रदूषण की मार है। जो दिल्ली वासी और नोएडा निवासियों की बात करें या NCR के सटे इलाकों की बात करें, वो झेल रहे हैं। क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जाती है, उससे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। हालांकि पराली जलाने को भी देखिए सियासत वहां पर तेज होती हुई नजर आई, किसानों को भी देखिए जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन स्थिति फिर भी काबू में होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो हमें देखना होगा कि सरकार के द्वारा और कौन से ठोस कदम उठाए जाएंगे जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर कम हो। प्रिया देखिए, आज से ग्राफ 2 लागू हो रहा है, ग्राफ 1 में जो स्थिति थी वो फिलहाल कंट्रोल होती हुई नजर नहीं आई, और जिसके चलते ये कहना अब गलत नहीं होगा कि जल्दी ग्राफ 3 और ग्राफ 4 भी लागू हो जाएगा, लेकिन स्थिति तब भी वही की वही बनी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, ग्रैप 3 भले ही लागू हो जाए, कुछ चीजें देखिए अपनी जनता को, हम लोगों को खुद भी समझनी होगी। जिस तरीके से हम लोग देखिए पॉल्यूशन, जैसे कि हम बात करें रेड लाइट्स की, तो रेड लाइट्स पर जब खड़े होते हैं तो अपनी गाड़ी के इंजन को बंद करें, क्योंकि प्रदूषण वातावरण में इतना फैल चुका है कि सभी के लिए वो हानिकारक होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से देखिए यमुना में पानी तो गंदा है ही, लेकिन उसके साथ हम चाहे पूजा पाठ में इस्तेमाल किया हुआ सामान उसमें फेंकते हैं, पॉलिथीन वहां पड़ी है, बोतलें वहां पड़ी है, तो इतनी गंदी यमुना हो चुकी है, हमें खुद भी उस चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी। जिस तरीके से देखिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि प्रदूषण की समस्या कोई सिर्फ दिल्ली सरकार की समस्या नहीं है, ये संयुक्त समस्या है, तो सभी को इस पर काम करना चाहिए ताकि किसी भी तरीके से जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। क्योंकि दीपावली का जब पर्व आएगा तो बिल्कुल प्रिया, और ना सिर्फ दिवाली और देखिए छठ का महापर्व भी आना है, उससे पहले किस तरह से यमुना की साफ सफाई की जाती है, किस तरह से प्रदूषण का जो EQI लेवल है वो कम होता है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अगली खबर की, जहां दिवाली क्या आई, दिल्ली का दम एक बार फिर से घुटने लगा। दरअसल हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली की आबो हवा और पानी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लोग खासा परेशान हो रहे हैं, लोगों का दम घुटता हुआ नजर आ रहा है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सियासत अभी भी हर बार की तरह इस बार भी जारी है। दिल्ली की हवा खराब, हवा में घुला प्रदूषण का जहर, खतरनाक श्रेणी में EQI। दिल्ली NCR की हवा एक बार फिर से चर्चा में है। हर बार की तरह
इस बार वायु प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। दीपावली से पहले दिल्ली एनसीआर की हवा में जहरीले तत्वों का स्तर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 को पार कर गया, जो कि बहुत ही खराब से गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता हर साल दीपावली से पहले खराब होने लगती है, जिसका मुख्य कारण पंजाब हरियाणा में पराली जलाना, वाहनों का धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स है। दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में जनता है जो जहरीली सांसें लेने के लिए मजबूर हो चुकी है। लगातार सरकार के द्वारा जो दावे किए जाते हैं कि प्रदूषण को कम किया जाएगा, लेकिन धरातल पर हर साल प्रदूषण की गुणवत्ता लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। दिल्ली एनसीआर में AQI है जो 350 को पार कर चुका है। यमुना के पानी में भी जहर घुल रहा है। यमुना को सफेद झाग ने अपने आगोश में ले लिया। हर बार यमुना को साफ करने की बात तो होती है, लेकिन धरातल पर कुछ होता नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आस्था का महापर्व छठ नजदीक है, तो लोग यमुना में डुबकी कैसे लगाएंगे? को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है, लोगों को अलग अलग तरीके की समस्याएं हो रही है। वही अगर हम बात करें जिस तरीके से लोगों को समस्याएं हो रही है, तो लोग उतने ज्यादा बीमार भी होंगे, अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 350 को लगभग पार कर चुका है। दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार जो दावे किए जा रहे हैं कि धरातल पर जो काम किया जा रहा है, चाहे हम बात करें पानी का छिड़काव की, कृत्रिम वर्षा की, या फिर जो कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही है उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। हर एक नया सवेरा हो रहा है और सवेरा होते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में लोग जहरीली सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में लोगों ने अपने मुंह पर मास्क लगाने शुरू कर दिए हैं। लोगों को प्रदूषण से अलग अलग तरीके की समस्या हो रही है, जैसे कि गले में जलन, आंखों में पानी आना। वहीं बुजुर्ग लोग, खासकर जो अस्थमा के मरीज हैं, उनको भी सबसे ज्यादा प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। ज्यादा मात्रा में पटाखे चले, जिसके कारण पोल्यूशन बहुत फैल रहा है दिल्ली में, और इसके साथ ही यहाँ पे बच्चों की तबीयत भी खराब हो। कॉलेज के स्टूडेंट है, जिसमें हमें सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है 6:30 के करीब, बट यहाँ पे इतना पॉल्यूशन होने लग गया, जिससे सांस लेने में थोड़ी महसूस सा होता है कि हाँ पोल्यूशन बढ़ गया। दिवाली से पहले, क्योंकि कल एक फेस्टिवल था करवाते हो, जिसकी वजह से कल भी पटाखे बहन है, पर फिर भी इतने ज्यादा पटाखे फूटे हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ सरकार अभी कुछ करनी है, तो जिससे हमें इस सरकार को अभी कुछ करना चाहिए। नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस बट ये दिखने में दिख रहा है कि स्मॉग बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर हर बार की तरह इस बार भी राजनीति शुरू हो गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कर्तव्य पथ का निरीक्षण किया और प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला। वहीं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पराली जलाने को लेकर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कारण बताया। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली वालों को दिल्ली के अंदर से जितना प्रदूषण झेलना पड़ता है, उससे 2 गुना ज्यादा बाहर से दिल्ली में प्रदूषण आता है। आज हम देख रहे हैं कि सर्दियां ज्यों-ज्यों बढ़ रही हैं, दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर सर्दियों में डस्ट पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन के अलावा जो पराली का पोल्यूशन है, वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मैं आके देख रहा था कि शायद दिल्ली वालों को नीला आसमान दिख जाए, पर यहाँ तो इंडिया गेट भी नहीं दिख रहा, इतना स्मोग है यहाँ पर। कारण, और ये तब है जब हम अभी 9 बज चुके हैं, सूरज निकल रहा है, तब ये स्थिति है। दिल्ली बद से बदतर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल तुम्हारे शासन में। पिछले 10 सालों में तुमने पोल्यूशन से लड़ने की कोई कोशिश की ही नहीं। दिल्ली वालों को आज हर 10 में से तीसरा आदमी या तो खांस रहा है, या नाक से पानी बह रहा है, या गले में कराश है, या कफ है, या सांस लेने में तकलीफ है। हमारे सीनियर सिटीजन, बच्चों, सबको इस तरह की बीमारियां हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की आदत
केवल झूठ बोलना और अपनी गलतियों को दोष दूसरों पर मढ़ने की है। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका बीओडी लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। इसके अलावा सीएलसी नहर के जरिए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है उसका बीओडी शून्य के बराबर होता है। लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यह बताए कि केंद्र सरकार से यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के नाम पर अभी तक 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, जिनमें से 3000 करोड़ उनको केवल पिछले 2 साल में मिले हैं। उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है? सरकार के द्वारा हर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से दिल्ली NCR में प्रदूषण को कम किया जा सके। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, कृत्रिम वर्षा की जा रही है, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली वासियों को कब तक प्रदूषण से राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।